हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टेराफॉर्म। ठीक है, ये टेराफॉर्म की मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें मैं रखूँ जिसकी हमें जॉब के टाइम पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब आपको जॉब लेने के लिए जितने की जरूरत पड़ेगी ना वो हम सारा कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको आज स्टार्ट करने वाला हूँ टेराफॉर्म। ठीक है, तो टेराफॉर्म बेसिकली क्या होता है? ठीक है, तो मैं शुरू करेंगे बहुत बेसिक से लेकर के और धीरे धीरे इसका लेवल हम अप करते जाएंगे। राइट, ओके फ्रेंड्स, तो बात करता हूँ मैं टेराफॉर्म की। ठीक है, तो टेराफॉर्म क्या होता है? टेराफॉर्म एक IAC है। क्या है? IAC। ठीक है, ये आई है, IAC। तो IAC क्या होता है? IAC का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड को हम कहते हैं IAC। ठीक है, तो इसी का जो हमारा अल्टरनेट वर्जन है जो AWS में आता है वो होता है क्लाउड फॉर्मेशन। क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन। राइट, सॉरी टेढ़ा लिखा है मैंने, आप लोग समझ जाना, ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ, मेरा हाथ मैंने ऐसे रख के लिख रहा हूँ ना, इसलिए टेढ़ा। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन, तो हम समझेंगे कि IAC क्या होता है। देखो, इसके जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या है, इसमें जो हमारा सारा इंफ्रा है, जो हमारा इंफ्रा है, इंफ्रा यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोड की फॉर्म में है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस में हम जाते हैं, VPC में VPC बनाते हैं। ठीक है, फिर उसका सबनेट बनाते हैं, फिर उसमें CIDR ब्लॉक्स वगैरह देते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो हम बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, बस एक बार कोड लिख दो, ठीक है, और उसको रन कर दो। ठीक है, अब इसका काम कैसा है? देखो, ये हमें काम कैसे करता है। सपोज करो आप ऑफिस जाते हो डेली सुबह, आपको ऑफिस जाना है। ठीक है, ये आप हो, ये आपका ऑफिस है। राइट, सॉरी बहुत ही बेकार बिल्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है। राइट, तो आपको डेली अपने ऑफिस जाना है। ठीक है, आप ऑफिस जाते हो, आप वहां पे कंप्यूटर ऑन करते हो। ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर है आपको डेली वहां जाकर के सपोज करो 200 मशीनें डेली आपको लॉन्च करनी है, वर्चुअल मशीन। ठीक है, सेम वर्चुअल मशीन आपको डेली लॉन्च करनी है। ठीक है, और आपको ये ड्यूटी आपको डेली जाना है। आप आते हो, अपने 100 वर्चुअल मशीन अपने लैपटॉप पे लॉन्च कर देते हो। ठीक, आपने लॉन्च कर दी, अब एक लॉन्च करी, दो, तीन, चार, पांच, छह, 100 करने में कितना टाइम लगे पहली बात तो। ठीक है, चलो आपने कैसे कैसे लॉन्च भी कर दी, आपको सपोज मैं मान के चलता हूँ आपको 2 घंटे लगे मिनिमम टाइम, 2 घंटे आपको लगे। ठीक है, फिर आपको डेली उसको बंद भी करना है जाते टाइम। ठीक है, बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बंद तो हम लोग एक साथ बंद कर सकते हैं, सबको टिक करो एंड टर्मिनेट कर दो, बंद हो जाती है। ठीक है, अब बनाने में आप बोलोगे हम एक साथ बना भी सकते हैं, है ना, 100 मेंशन कर देंगे एक साथ तो 100 बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, हमें कंफिग्रेशन अलग रखनी होगी कि मेरी 10 मशीनें हैं T2.micro की। ठीक है, और 10 मशीनें हैं T2.medium की। ठीक है, और 10 है मेरी T2.large, छोड़ो सपोज करो एक्सेल लार्ज की है। ठीक है, एक्सेल लार्ज की है मेरी मशीनें, तो हम ऐसे अगर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैं तो आपको लगेगा ना, तो टाइम 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बट ये काम आपको डेली करना है, तो आपके लिए कितना हेक्टिक होगा ये कि डेली जाऊं, डेली वो मशीनें, वही सेम मशीनें लॉग इन करूं, क्योंकि भाई एक साथ तो ये लॉन्च होंगे नहीं कि 100 लिख के लॉन्च कर दो, क्योंकि उनको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन इनके अलग अलग है। बट इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है IAC, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। मतलब हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, उस फाइल पे लिख देंगे कि मेरी वर्चुअल मशीन 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, वर्चुअल मशीन 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वर्चुअल मशीन 3 कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जब पहली बार ये फाइल बनेगी ना तो मेहनत लगेगी, बट एक बार जब बन जाएगी तो आप जब अगली बार ऑफिस जाओगे, एक दिन आपने पूरा दिन आपने सपोज करो ये बनाने में लगा दिया। ठीक है, अब अगले दिन आप ऑफिस गए, आपको बस वो मशीन रन कर दे, ये फाइल आपको टेराफॉर्म रन कर देना है ना। आप टेराफॉर्म प्लान स्टार्ट कर दोगे, सपोज करो टेराफॉर्म प्लान कर दोगे पहले, फिर टेराफॉर्म इनिट कर दोगे, इनिशियलाइज कर दोगे, मतलब एक तरीके से टेराफॉर्म अप्लाई कर दोगे। बस आपको ये फाइल एक बार अप्लाई कर देनी है, आपकी सारी की सारी मशीनें एक साथ लॉन्च हो जाएंगी बिना कोई किचकिच के। तो हमें ये काम आता है IAC। ठीक है, और इसका मार्केट में बहुत यूज है, मार्केट में इसका बहुत यूज है, और मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा, और उतना बताऊंगा जितने की आपको जॉब लेने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक्स अगर छूटेंगे तो हम बाद में उसे कवर कर लेंगे, बट अभी मेरा मेन फोकस है कि जॉब क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करो, उसके लिए जितना आपको आना चाहिए उतना मैं आपको सिखा दूंगा, उतना समझा दूंगा। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, और वहां जाकर के हमें शुरू करना होगा अपना आज का टॉपिक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं करता हूं फिलहाल यहां से मिनिमाइज। ठीक है, इसको डोंट सेव करते हैं, यहां हम लॉन्च कर लेंगे एक EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको लॉन्च करना पड़ेगा। राइट, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसका नाम जो है वो यहां से रख लेता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक कर देना, कहीं से भी कर देना, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे और इसका मैं नाम रख दूंगा, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, टेराफॉर्म EC2 कुछ भी आप नाम रख सकते हो। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोड में जो AWS के अंदर हमारा आता है वो होता है क्लाउड फॉर्मेशन, और वो दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है,
मतलब जो हम टेराफॉर्म में करते हैं वही क्लाउड फॉर्मेशन में भी करते हैं, बट क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो कंपनियां जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन को कम अडॉप्ट करती हैं, वो जाती है कहाँ पे, IAC ही यूज करती हैं वो भी, बट वो चाहती हैं टेराफॉर्म के साथ। तो क्लाउड फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से काम करता है। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपने नहीं देखी है आप जाओ चैनल पे, पड़ी हुई है क्लाउड फॉर्मेशन की वीडियो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम चलेंगे एंड अमेजोन लिनक्स रखेंगे, ट्विटर माइक्रो रखेंगे, कीपेयर देख लेता हूँ, कोई पड़ी है वही यूज कर लेंगे। ओके, तो नहीं है तो मैं कीपेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, टेराफॉर्म हाइफन की डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कर दूंगा क्रिएट कीपेयर, तो मेरा कीपेयर डाउनलोड हो जाएगा यहाँ बेसिकली, मैं डाउनलोड कर सेक्शन में डाल के सेव, ठीक है, और हम रखेंगे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली इसको ऐसे लॉन्च कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने किया इंस्टेंस लॉन्च, ठीक है, तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे एंड इसमें जाके हम अप्लाई करने वाले हैं अपने टेराफॉर्म को और उसमें समझेंगे टेराफॉर्म कैसे काम करता है, ठीक है। तो मेरा रनिंग पे आ चुका है, मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ इसको हम लोग, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिंपली कनेक्ट, आप लोग भी कहीं से भी कर सकते हो, मैं इसको सिंपली यहीं से कर लेता हूँ कनेक्ट, ठीक है। ओके, यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं लेके आऊंगा उस फाइल को, यानी हम डब्ल्यू गेट करेंगे। डब्ल्यू गेट कमांड क्या करती है हमारी, वो सॉफ्टवेयर लेकर के आती है जो हमें चाहिए होता है इंटरनेट से, राइट। तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, रिलीजेस डॉट हाशिकॉर्प के अंदर हमें मिल जाएगा ये, ठीक है, hashicorp.com/terraform/1.4.6/terraform, ये लिंक आपको ना टाइप ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 1.4.6_linux_386 sorry .zip फाइल है ये, एंटर कर दूंगा तो ये डाउनलोड करके ले आया, देखो है ना, ये किस नाम से आ गई है, टेराफॉर्म 1.4.6 जिप नाम से फाइल आ चुकी है, राइट। अगर मैं आपको ls करूं यहाँ पे तो आपको शो करेगी ये जिप फाइल, ठीक है। अब ये जिप फाइल को मैं कर दूंगा अनजिप, तो मैं यहाँ कर दूंगा अनजिप एंड ये टेराफॉर्म.dev, ठीक है, ये देखो ये हो गई अनजिप। अगर ls करूं तो हमें शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये टेराफॉर्म नाम का ये फोल्डर टाइप का शो कर रहा है, ठीक। अब मैं यहां से रिमूव कर दूंगा इसको ताकि हमें फालतू का लोड ना रहे, तो मैं यहां से टेराफॉर्म अंडरस्कोर डाल के ये जिप फाइल मैंने फिलहाल यहां से रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने रिमूव कर दी, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है वैसे, तो हमारे पास सिर्फ टेराफॉर्म है। अब इस टेराफॉर्म को ना मुझे मूव करना है बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि इसको हम रखेंगे बिन के अंदर, ठीक है, ये तभी रन करेगा। ओके, सो मुझे यहां लिखना होगा सूडो, ठीक है, mv, बस इसको डाल दूंगा ना बिन के अंदर, वैसे ही रन कर जाएगा, देखना, बिन एंड एंटर मैंने कर दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं टेराफॉर्म हाइफन हाइफन सॉरी हाइफन हाइफन वर्जन, और आपको दिख जाएगा वर्जन हमारा 1.4.6 जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है टेराफॉर्म अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने का, सबसे इजीएस्ट तरीका है आपको टेराफॉर्म अपने सिस्टम पे डालने का। तो आपने अपनी एकदम एकदम इजी वे में आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हम यहां से अपना डेमो शुरू करते हैं, तो मैंने आपको टेराफॉर्म इंस्टॉल करना बता दिया, ठीक है, और मैं बताऊंगा mkdir वेरिएबल वन नाम की मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर चलते हैं हम cd करके वेर के इसके अंदर आ गए हम फोल्डर के, ठीक है, कंट्रोल एस से करूंगा स्क्रीन क्लियर। अब मैं यहां पे बनाऊंगा एक, ठीक है, तो हमने नैनो एडिटर यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है, ये मैंने किया नैनो वेरिएबल और मैं नैनो एडिटर से इसके अंदर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं डिफाइन करना होगा मुझे वेरिएबल, और वेरिएबल कैसे डिफाइन होगा, यूजर नेम, एक मैंने वेरिएबल दिया इनको यूजर नेम नाम से, ठीक है, एंटर किया एंड यहां मैं कर दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसका फॉर्मेट सिंपल चीज है ये, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखा मैंने द, ऐसे लिखो शायद द नेम ऑफ यूजर, ठीक है, आप टेंशन मत देना मैंने क्या लिखा दिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने एक बस वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रखा मैंने यूजर नेम, ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि डिस्क्रिप्शन में क्या डाल रहा हूँ, द नेम ऑफ यूजर, ठीक है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, नेम ऑफ द कुछ भी चीज, जरूरी नहीं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जो रिसोर्स बना रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दो, अगर आप वीपीसी बना रहे हो दिस इज माई पर्सनल वीपीसी, प्राइवेट वीपीसी, ऑफिस वीपीसी, कुछ भी हो सकता है ये, है ना, हम धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। टाइप की बात करूंगा तो हमने मेंशन कर दिया स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, एंड मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब यहां मुझे देना है आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, तो आउटपुट मैंने दिया, आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नेम, ठीक है, ये मैंने दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ठीक है, ठीक है, मैंने कहा प्रिंट नेम, और इसको मैंने सेम तरीके से ब्रैकेट ऑन किया एंड यहां मैं मेंशन कर दूंगा वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू, और यहां मैं ऐसे मेंशन करूंगा, देखना, हेलो, राइट, और हमेशा लगाते हैं हम डॉलर,
अब जब भी डॉलर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, मतलब कि अगर मैं यहां लिखाऊंगा डॉलर के साथ, मैं यहां डाल दूंगा ब्रैकेट के अंदर वेयर डॉट यूजर नेम, ठीक है। तो मैंने यहां डाल दिया वेयर डॉट यूजर नेम। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ डॉलर लगा है, इसका मतलब मैं वेरिएबल कॉल कर रहा हूं, है ना, कि जहां पे यूजर नेम ऊपर जो डिफाइन किया वो यहां पे आके सेट हो जाए, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया यहां से एंड बस कुछ नहीं, कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स से हम आ जाएंगे बाहर। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर कैट करके, ठीक है, सो दिस इज कैट वेरिएबल डॉट टी है, तो ये हमने इसके अंदर मेंशन की सारी चीजें, इतना हमने लिखी है टेराफॉर्म की फाइल, छोटी सी फाइल लिखी है, ठीक है। अब मैं करता हूं टेराफॉर्म प्लान, ये करता है, ये बेसिकली क्या करेगा, एक तरीके से ड्राई रन है ये, एक तरीके से प्रीव्यू है ये, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होंगी उस आपके उस फाइल के अंदर, वो आपको यहाँ पे ये डिफाइन करके बताएगा। मैं सिंपली करूंगा एंटर। अब आपसे क्या बोल रहा है, एंटर अ वैल्यू, आपसे बोला उसने एंटर अ वैल्यू, अब वैल्यू क्या एंटर करनी है, द नेम ऑफ यूजर, ठीक है। तो मैं यहाँ सपोज कर देता हूँ प्रशांत, एंटर किया मैंने एंड देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, चेंजेस आउटपुट हेलो प्रशांत लिख के आ गया। तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो ये मैंने आपको एक सैंपल समझाया, ठीक है, एक सिंपल सी तरीके से एक सैंपल फाइल आपको मैंने समझाई है ये टेराफॉर्म की, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं बहुत हेक्टिक नहीं बनाऊंगा इसको, हम अभी छोटी छोटी क्लास लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है हमारा टेराफॉर्म, क्या चीज होती है, मैंने आपको समझा दिया है, एक उसका हमने सैंपल भी समझ लिया है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और ये सीरीज बहुत बढ़िया सीरीज है, प्लीज आप लोग अपना प्यार जरूर शो करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट करो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, बाय, अपने ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, सी नेक्स्ट टाइम।